देहात में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं पर लगे फर्जी मुकदमे को वापस किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कानपुर देहात में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न ना किया जाए। कहा कि दुनिया के हर व्यक्ति व समाज के लिए अधिवक्ताओं ने प्रत्येक अत्याचार व अन्याय का घोर विरोध निडर होकर किया है। आजाद देश की जनमानस अधिवक्ता की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, इसीलिए उसके परिवार को जान का खतरा सदैव बना रहता है, लेकिन वह बिना परवाह किए अपना काम बंद नहीं कर सकता है। और बताया कि 150 से 200 अधिवक्ताओं पर थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में मुकदमा दर्ज किए गए, जो कि बहुत ही दुखद और चिंता का बात है और यह लोकतंत्र में सभ्य समाज की स्थापना के लिए शुभ संकेत नहीं है। अधिवक्ता संघर्ष समिति कानपुर देहात में ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे वापस किए जाने की मांग की। कहा कि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न न किया जाए और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रविनाथ मिश्र, रमेश चंद्र गौर, जितेंद्र प्रताप सिंह, सविंद्रा शिव सिंह, राजेंद्र कुमार द्विवेदी, राम स्नेह कुशवाहा, सदेश पाल, प्रीति त्रिपाठी, रघुनंदन सिंह निषाद आदि लोग शामिल रहे। कानपुर देहात से आशा देवी की रिपोर्ट।